सो हेलो, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसको आप कैसे दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की आपकी जो रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर होगी और यहाँ पर लिखा होगा हेमेटोलॉजी। इसका मतलब होता है कि खून की स्टडी को ही क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, हेमेटोलॉजी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पर लिखा है टेस्ट का नाम और यहाँ पर लिखा है पेशेंट की वैल्यू और यहाँ पर यूनिट और यहाँ पर रेंज, सबके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, टेस्ट का नाम क्या है? सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि आपके ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उन सब का विवरण यहाँ पर दिया होगा और इनकी वैल्यू दी होंगी कि कितनी आपके शरीर में इस समय वैल्यू है। और यहाँ पर ये यूनिट लिखी होती है, जैसे कि हर चीज़ को मापने के लिए एक यूनिट होती है, जैसे कि लंबाई को मापने के लिए मीटर या फिर सेंटीमीटर में हम लोग मापते हैं, तो उसकी यूनिट होगी यहाँ पर। कि यहाँ पर रेंज लिखी होगी कि इसके से इतने के बीच में आपके अंदर क्या होना चाहिए, वो ब्लड होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? हर चीज़ की यहाँ पर रेंज आपको मिल जाएगी कि इतनी होनी चाहिए। अब देखिए, देखते ही इस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को सबसे पहले आपको देखना है जो डार्क में लिखा है। कभी कभी ये रेड में लिख कर देते हैं, कभी कभी यहाँ पर डार्क हो जाता है, डार्क ब्लैक से लिख कर आता है। तो जहाँ पर इस तरह के आपको कुछ भी दिखे तो समझ जाइए वहाँ पर वो क्या है, फॉल्ट है। इतनी सी चीज आप समझ गए। चलिए, ये तो आप फॉल्ट समझ गए कि यहाँ पर फॉल्ट है और यहाँ पर क्या है, कमी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये क्या है, प्लेटलेट काउंट। यहाँ पर प्लेटलेट काउंट कितनी है, 1,03,000, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 1,50,000 से लेकर 4 लाख के बीच में। ठीक है, पहले आप स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड को क्या कहता है, रेड बनाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। देखिए, यहाँ पर पेशेंट में, ये जो पेशेंट है उसमें, पेशेंट में हीमोग्लोबिन कितना है, 12.2, और ये ग्राम परसेंटेज में देखा जाता है। ठीक है, इस पर आप मत जाइए, बस ये देखिए कि इसकी रेंज कहाँ से, 11.5 से लेकर 16.0 के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 12.2, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि हीमोग्लोबिन इनके शरीर में क्या है, अच्छा है। अब देखिए, आरबीसी काउंट क्या है, आरबीसी काउंट कितना है, 3.83 मिलियन, लेकिन होना कितना चाहिए, 3.8 से लेकर 5.9, यानी कि यह भी, या जो संख्या है पेशेंट वैल्यू में, ये भी इन दोनों के बीच में, यानी कि इनके अंदर आरबीसी काउंट भी क्या है, सही है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। अब देखिए, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और ये कितनी है पेशेंट के शरीर में, तो यहाँ 10,800, समझ है कि नहीं, और होनी कितनी चाहिए, 4,000 से 11,000, यानी कि यह भी जो WBC भी हैं, या भी कितनी है, सफिशियंट है, 4,000 और 11,000 के बीच में, यानी कि WBC इनके अंदर भी क्या है, सफिशियंट है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, यहाँ पर चार पांच चीज़ें लिखे हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बेसोफिल्स। यह जो हैं, यह WBC के ही प्रकार हैं। हमारे शरीर में जो WBC है ना, वह कम पाँच प्रकार की पाई जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए कि नहीं। अब देखिए, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कितनी है इनके शरीर में, 70 हैं। यह परसेंटेज में देखा जाता है कि ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, न्यूट्रोफिल्स वो भी कितनी है, 70% है, और होनी कितनी चाहिए, 40 से 75% क्या होनी चाहिए, हमारी न्यूट्रोफिल्स होनी चाहिए। तो यह भी क्या है इनके शरीर में, सही है। अब देखिए, लिम्फोसाइट की बात करते हैं, तो यह हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, 20 से 45% होनी चाहिए, और लेकिन है कितनी, 26%, यानी कि यह भी क्या है, एग्जैक्ट सही है। फिर स्नोफिल्स की वैल्यू कितनी है, 0.2%, और होनी कितनी चाहिए, 1-6%, तो यानी कि यह भी क्या है, स्नोफिल्स भी सही है। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स की, मोनोसाइट कितनी है, 2%, होनी कितनी चाहिए, 2-10%, तो यानी कि यह मैथ है। यहाँ पर वैल्यू क्या है, बेसोफिल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर 0% लिखा है, होना कितनी चाहिए, 0 से लेकर 1% के बीच में होना चाहिए, यानी कि बेसोफिल्स भी लगभग लगभग यहाँ पर क्या है, सही है। अब देखते हैं, बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। देखिए, हमारे ब्लड में तीन चीज़ें मेन होती हैं, एक होती है आरबीसी, एक होती है आरबीसी, कहाँ गई आरबीसी आपकी, तो ये आरबीसी, और दूसरी होगी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होगी प्लेटलेट काउंट। हमारे ब्लड में तीन चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब देखते हैं, बात करते हैं प्लेटलेट की, तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होनी चाहिए, लेकिन इनके शरीर में है कितनी, 1,03,000, यानी कि कहीं ना कहीं यह क्या है, प्लेटलेट कम है। और आपको जब भी ब्लड की रिपोर्ट मिले सबसे पहले यही देखना है, कौन सा भाग, रेड वाला यानी कि डार्क वाला भाग, और यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि यहीं पर क्या है, यहाँ पर फॉल्ट है, समझ गए कि नहीं। अब नीचे यहाँ पर देखिए, SCT, MCV, MCH, MCHC लिखा है। ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट मैनुअली किए जाते हैं, यानी कि इनमें एरर होने की संभावना अधिक रहती है, एनीमिया वगैरह रोग होता है तब जाकर ये टेस्ट आपके अलग से भी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह टेस्ट पहले से कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो HCT का मतलब होता है, यह होता है हिमेटोक्रिट, यानी और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, PCV के नाम से, यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल की मदद से हम लोग निकालते हैं, जैसे कि आपका ब्लड ले लिया और बाद में सेंट्रीफ्यूगल, एक टेस्ट ट्यूब होता है उसमें डाल के ब्लड को इसको कसके सेंट्रीफ्यूगल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे से घुमा देते हैं। घुमाने के बाद में यहाँ पर नीचे क्या बच जाता है, आपका RBC बच जाता है, और यह जो RBC है 45% से लगभग आसपास होना चाहिए। इनका कितना है, 35%, यानी कि इनके शरीर में कहीं ना कहीं RBC की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा काउंट जो है PCV की, पैक्ड सेल वॉल्यूम की, यह थोड़ा कम है, यानी कि यहाँ पर भी ये क्या है, डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो कुल आपको देखना क्या है कि यहाँ पर प्लेटलेट काउंट क्या है, इनकी बहुत कम है, समझ गए कि नहीं।
और यह जो टेस्ट है यह मेनली विड्रॉल के लिए किया जाता है, या फिर आपके कोई कमजोरी आ रही है, थकान लग रही है, आप काम करते करते चक्कर आने लग रहा है, तो इस तरह के केस में आपका सीबीसी, आपके कहते हैं कि सीबीसी की जांच आप करवा लीजिए।